नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यूटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बरसात के बाद, जब बरसात रुक जाती है अचानक से और धूप पड़ने लगती है तो हमारे प्लांट में पत्ते पीले होने लगते हैं, तो इसका कारण मैं आपको बताऊँगा और इसको ठीक कैसे करें हम, क्या इसके उपाय है, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। काफ़ी सारे प्लांट लटक जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो उसका कारण क्या होता है, तो वो सब आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, पत्ते पीले होने का कारण आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो लगातार हमारे यहाँ लगभग 10-15 दिन बारिश हुई हर रोज़, उससे क्या है कि इसकी मिट्टी गीली रही थी और अब अचानक बारिश रुक गई है, 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है और तेज़ धूप आ रही है, तो इसी वजह से हमारे प्लांट के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। और पीले क्यों पड़ते हैं वो आपको बताओ तो, क्योंकि तेज़ धूप आती है और जब बारिश रुक गई है तो उसमें जो पानी हमारे गमलों में गिरा था, देखिए ये हमारे गमले, इसमें जो पानी गिरा था तो ये क्या है कि मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो गई, देखिए इस तरह से। और जब बारिश लगातार गिरती है तो क्या होता है कि वो जो हमारी गमले की मिट्टी है उसको एकदम सख्त बना देती है, देखिए ये मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है। जब हम पानी डालते हैं जैसे, तो तुरंत बह के बाहर निकल जाता है, तो इसी वजह से क्या है कि प्लांट की जो जड़ें होती है उसको पानी नहीं मिल पाता है, जितना पानी हम डालते हैं वो पानी बह के बाहर निकल जाता है। वही कारण रहता है कि हमारे प्लांट है वो लटक जाते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, ये मुरझा जाते हैं, ज़्यादा धूप, थोड़ी सी धूप लगती है तो मुरझा जाते हैं। तो क्योंकि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर रहता नहीं है, मिट्टी बहुत सख्त रहती है, तो जड़ों, ये देखिए मिट्टी बहुत सख्त रहने की वजह से जड़ों को क्या है कि बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो देखिए, जो हम आपको एक बात बताओ, हिबिस्कस प्लांट है, चंपा प्लांट है, उनमें क्या है कि रूट्स इस तरह बाहर निकल के आई होगी, तो आपको क्या करना है कि जो घास निकली है उनको हटा देना है, और उसके बाद इसमें ऊपर ऊपर सॉफ्ट गुड़ाई करनी है। सॉफ्ट गुड़ाई मतलब कि खुरपी लीजिए, कुछ भी लीजिए, पर सॉफ्ट ऊपर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये ऊपर की जो रोस्ट टूटे तो उसे डरने की कोई बात नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखिए मेरी मिट्टी तो इतनी सॉफ्ट है कि इससे हाथ से करने से भी हो जाती है, पर जब हम प्लांट में पानी डालते हैं तो इतनी सॉफ्ट मिट्टी में पानी नहीं रहता, क्योंकि जो बारिश की वजह से क्या है कि ऊपर की लेयर एकदम जम गई होती है, तो ये लेयर जम गई होती है तो इसी वजह से क्या है कि पानी रुकता नहीं है। तो इस तरह से हम सारे गमलों में गुड़ाई कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि गुड़ाई करने के बाद हम पानी देंगे तो पानी क्या है मिट्टी में थोड़ा जमा रहेगा और प्लांट की जड़ों को भी थोड़ा पानी मिलेगा, तो इसी वजह से हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो थोड़ी पानी को एब्जॉर्ब करेगी और हमारे प्लांट की पत्तियाँ मुरझाएगी नहीं, प्लांट हमारे लटक नहीं जाएंगे, तो यही कारण रहता है। और प्लांट की पत्तियाँ भी पीली नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेज़ धूप धूप की वजह से लगातार उनको लगभग 10-15 दिन एकदम मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट रहा हो, जहाँ नमी बनी हुई हो ऐसा, और अब अचानक ही धूप पड़ जाए तो धूप की वजह से क्या है कि प्लांट शॉक में आ जाते हैं और वो क्या है कि पत्तियाँ पीली करने लगते हैं। तो अब पीली पत्तियाँ हैं वो हाथों से इस तरह हटा दीजिए, देखिए बाकी प्लांट को हमारे कुछ नहीं हुआ, प्लांट एकदम सब हेल्दी प्लांट है, तो खासकर जो हमारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम देखने मिलती है, और छोटी छोटी जो सीडलिंग हम रिपोर्ट किए हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। ये देखिए ये सीडलिंग है, तो इनमें भी क्या है ये प्रॉब्लम देखिए, ये पूरी मिट्टी एकदम देखिए कितनी सख्त है, तो इनमें पानी डालता हूँ तो ऊपर की लेयर सख्त होने की वजह से पानी सब बह के निकल जाता है, थोड़ा सा भी पानी रुकता नहीं, जो ये मिट्टी होती है उनकी साइड से, यहाँ से देखिए गमले की साइड से यहाँ से पानी निकल जाता है, तो इसलिए पहले ऐसे बीच में गुड़ाई करने की जगह नहीं है, तो ऐसे साइड में थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके इस तरह कर दीजिए आप, ये देखिए इस तरह से, तो ताकि क्या है कि गमले में थोड़ा पानी रुके और आपके प्लांट लटके नहीं। तो इस तरह आप सारे गमलों में गुड़ाई करके अच्छे से इसको एक दो घंटा हवा लगने दीजिए, और उसके बाद सुबह के टाइम या शाम के टाइम पानी दे दीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना
मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।